365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल, क्रोध और डर को अपने जीवन से कैसे निकालें। हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर एंड एंगर फ्रॉम आवर लाइव्स। क्रोध और डर, क्रोध करने वाले अपने जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, उनको पता ही नहीं। ऐसा हुआ कि एक पुल पर एक साधु और एक शरारती इंसान दोनों आमने सामने आ गए, और पुल छोटी थी, पतली थी। साधु ने कहा, हट जाओ, मुझे जाना है। उस शरारती ने कहा, मैं नहीं हटता, तुम हट जाओ। दोनों में तू तू मैं हो गई। साधु ने कहा, श्राप देता हूं तुम्हें। साधु को गुस्सा आ गया, कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? तुम राक्षस बन जाओ। क्या और क्या हुआ? वो इंसान, शरारती इंसान, राक्षस बन गया। और पहला काम क्या किया? साधु को खा गया। पहला काम वो साधु को खा गया। यानी क्या हुआ? क्रोध ने क्रोध करने वाले को खत्म किया। क्रोध का अर्थ ही क्या? दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। कोई गलती करे और आप अपने आप को सजा दो, कोई कप तोड़ दे और आप अपने आप को थप्पड़ मारो, ये ऐसे ही हो गया। ये हास्यपद लगता है, मगर एक्चुअली यही होता है। वो साधु क्यों मरा? अपने ही क्रोध में मरा। उसका क्रोध उसको खा गया। तो क्रोध से इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई है जगत में। जो क्रोध में शब्द निकलते हैं, उन्होंने कितनी कॉम्प्लिकेशन, कितनी उलझने क्रिएट की है। इसलिए अपने आप को कह दो, प्रण कर लो कि मैं कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहूंगा जिनको लिखकर उसके नीचे अपनी साइन करनी पड़े, जिनको लिखकर मैं साइन नहीं कर सकता, ऐसे शब्द मैं नहीं कहूंगा। यानी अगर आप किसी को कह रहे हो, गालियां दे रहे हो, और कोई आपको कहे, रुको, पहले अपने आप से पूछो, ये सब गालियां तुम कागज पर लिखकर अपनी साइन नीचे कर सकते हो? तो कहेगा, नहीं, अपनी साइन के अंडर ये मैं नहीं लिख सकता। तो जो तुम लिखकर साइन नहीं कर सकते वो कहो भी मत, जो लिखकर अपनी साइन नहीं कर सकते वो कहो भी मत। आप कौन सी कोटेशंस पढ़ते हो? जो सबसे बेस्ट चीजें लिखी गई है आज तक लोगों के द्वारा, उनका नाम नीचे लिखा होता है, इसने ये कहा है। कि आप चाहते हो आपके लिए ये शब्द लिखे गए हो कि इस इंसान ने ये कहा है। तो प्रण क्या करना है? जो मैं लिखकर साइन नहीं कर सकता, ऐसे शब्द में नहीं कहूंगा। तो जब भी किसी को कुछ कहने जाओगे, अपने आप से पूछोगे, जो मैं कह रहा हूं ये लिखकर मैं साइन कर सकता हूं? ये सजगता देगी। और आया डर, सिक्के का दूसरा पहलू, डर। डर में इंसान कॉम्प्लिकेशन, उलझन क्रिएट करता है। जब इंसान को डर आता है, कोई कमरे में कीड़ा आ गया, तो इंसान क्या करता है? पहले उसको मारना चाहता है, या तो वो मुझे हानि पहुंचाएगा या तो मैं उसे हानि पहुंचाऊं। वो तुरंत उस कीड़े को मार डालना चाहता है, डर आता है। डर में इंसान या तो सामने वाले को मारता है या अपनी शरीर हत्या करता है। क्यों? डर आया है। जब हमें डर आता है तो हम सामने वाले पर हमला करना चाहते, हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो सामने वाले को मारना चाहते हैं। हिंसाएं क्यों होती है? क्योंकि वो कौम अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, तो सामने वाली कौम को मारना चाहती।
डर होता है, हम खत्म ना हो जाएं। डर में इंसान कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। डर छोटे छोटे देखोगे, सुबह से लेकर रात तक इंसान क्या करता है। डर का अर्थ कोई बड़ा डर ही मत समझना, छोटे छोटे भी डर देखोगे। यानी क्या, आप ऑफिस में नहीं जा रहे, फोन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी फोन करूंगा, सामने वाला 10 सवाल पूछेगा, अनकंफर्टेबल लगता है। फेस करना अनकंफर्टेबल लगता है, सहज नहीं लगता, असुखद। तो फोन ही नहीं करते। किसी को कहा था मैं ये काम कर दूंगा और आपने वह काम नहीं किया, तो आप उसको फोन करके बताते नहीं कि बताऊंगा, फिर वो ये पूछेगा वो पूछेगा, असुखद लगता है। जो भी हमें असुखद लगता है वो हम नहीं करते, अवॉइड करते। मगर क्या आपको पता है कि ये न बताकर आप क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो, क्या उलझन तैयार कर रहे हो। वह पर्सन जब बाद में आपको मिलता है, ऐसा क्यों नहीं किया, तो फिर हम कुछ बहाने देने लगते हैं। अगर हमने सही समय पर, भले असुखद लगता हो, हमने बता दिया, सही समय पर निर्णय ले लिया, भले असुखद लग रहा हो। निर्णय लेना भी लोगों को कठिन जाता है, तो अवॉइड करते, कल देखेंगे परसों देखेंगे। मगर अपने आप को कहो कि कहीं मैं चींटी से बचने के लिए चीते को आमंत्रित तो नहीं कर रहा, कहीं मैं चींटी से बचने के लिए चीते को तो आमंत्रित नहीं कर रहा। चींटी जब काटेगी तो थोड़ी तकलीफ होगी। जब आप फेस करोगे, सामने वाले से फोन पे बात करोगे, अवॉइड नहीं करोगे। लोग अवॉइड करते, कई विद्यार्थी एग्जाम को अवॉइड करते हैं। क्या कहते हैं, इस साल हम ब्रेक लेते हैं, इस साल ड्रॉप लेते हैं, अगले साल बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे करेंगे। मगर होता क्या है, उनके जीवन में देखो क्या कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे कितने लाखों विद्यार्थी आज डूब गए हैं, क्योंकि एक साल में वो इतने लेजी हो गए, फिर वो आदत पड़ गई, टेंडेंसी, वृत्ति भागने की। बचपन से यही हुआ, माँ को बताएंगे माँ डांटेगी, डैडी को बताएंगे डैडी डांटेंगे, तो असुखद लगता है, अवॉइड करो, बताओ ही मत। धीरे धीरे बड़े होकर फिर लोग अवॉइड करते, यानी किसी को कुछ बताना, फिर वो पूछेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दो, बताते नहीं। तो लोग पूर्णता नहीं करते अपने जीवन में, जो उन पर निर्भर है लोग, वो सच्चाई नहीं जानते। और बाद में जब गलत फहमियां बढ़ चढ़कर सामने आती है, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन, फिर इंसान सोचता है मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो अच्छा इंसान हूं। मगर तुमने चींटी से बचने की कोशिश की, चींटी से डर गए, अब चीता आया है। जब वो बड़ा होकर आ गया, क्योंकि अब लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये पर्सन जिम्मेदार नहीं है, इसको काम देंगे ये जिम्मेदारी से नहीं करता। धीरे धीरे लोग आपकी इमेज क्या लेते हैं, फिर इंसान रोता है, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही। अरे तुम अपने आप से पूछो, तुम चींटी से डरने के लिए चीते को आमंत्रित करते रहते हो, असुखद लगने वाली बातों को अवॉइड करते हो, बाद में बाद में बाद में नहीं, अभी फोन करते, अभी थोड़ा सा बुरा लगेगा, फोन करते वक्त थोड़ा बुरा लगेगा। कई लोग सॉरी बोल ही नहीं पाते, गलती हो गई ना तो अभी बताएं कैसे, तो बताएंगे नहीं, चुपचाप बाजू में छुपा के रख देंगे वो चीज, पता ही नहीं चले। मगर वो चींटी से तो बच गए, चीता है पीछे, ये बाद में आता है ना, पता नहीं चलता। जो भी हम कर्म आज कर रहे हैं, वो जब फल के रूप में आता है, तो हम कहते हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि चींटी से बचने की कोशिश की। चींटी से मत डरो, हो जाने तो उस वक्त दो डांट पड़ जाएगी, गलती हुई है सॉरी बोलकर देखो तो सही,
वो सॉरी बोलने में थोड़ा सा असुखद था, मगर बोलने के बाद लगा अरे कितना आसान था, बात क्लियर हो गई। छुपाकर हम क्या आगे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हमें पता ही नहीं, अनसीन है ये, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये गलतियों पर गलतियां होते जा रही। और जब बढ़ चढ़कर पहाड़ के रूप में आती है, चीते के रूप में आती है, तो हम पूछते अपने आप से ऐसा क्या किया मैंने, क्या किया। जब तुमने शुरुआत की तब तो पता नहीं था, मगर आज फल के रूप में सब कुछ सामने आ गया है। क्रोध और डर जब भी तीव्र हो जाए तो आप मंदिर जाओ। अभी आप कहेंगे कि ये क्या सलाह दे रहे हैं, क्रोध जागा है ये जा मंदिर जाके बैठो, तो मंदिर का अर्थ समझोगे तो बात पकड़ में आएगी। क्योंकि जब क्रोध है तो उसे धीरज चाहिए, जब डर है तो धीरज चाहिए, फेस करना है, डर से आंख मिलानी है तो धीरज चाहिए। तो मन को चाहिए धीरज, यानी मन को चाहिए धीर, यानी मन और धीर। मंदिर का अर्थ ही क्या, जिस स्थान पर तुम्हारे मन को धीरज मिलता है वह मंदिर है, चाहे आपके घर का एक रूम भी क्यों ना हो। और जिस मंदिर में भी आपके मन को धीरज नहीं मिलता है तो वो मंदिर नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा बनाया गया हो, चाहे कितना भी बड़ा डेकोरेट किया गया हो। तो मंदिर यानी हमारे घर का एक कक्ष भी हो सकता है, एक मौन कक्ष, एक ध्यान कक्ष भी हो सकता है, एक कोना हो सकता है, वहां आप सिर्फ बैठ गए, एक आसन भी हो सकता है, छोटा सा आसन आप जाकर बैठ गए, आंख बंद करके उस डर को देखा, क्रोध को देखा, क्रोध में क्या हो रहा है मेरे साथ, डर में मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस चीज से बचना चाहता हूं। ईमानदारी से अपने आप को बताओ, अपने आप से मत छुपाओ, क्योंकि अपने आप से छुपाओगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। अपने आप को बताओगे रास्ता खुलेगा, और रास्ते है सीधे सरल रास्ते है, स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन कहते हैं इनको। हमेशा अपने आप को कहना इस समस्या में स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन क्या है, जो सीधी हल तक जाती है, घुमा फिरा कर नहीं, सीधी सीधी बात, क्या करूं इस समस्या से मुक्त हो जाऊं, सीधा क्या करूं, तिकड़म नहीं, इसको घुमा के ऐसे बोलेंगे, फिर उसको ऐसे बोलेंगे, फिर उसको ऐसा कहेंगे, घुमा फिरा कर नहीं। कपट करके लोग कितना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। दादाजी गए हैं ऑफिस में अपने पोते के, उनसे मिलने, और ऑफिस में पूछते मेरा पोता कहाँ है, तो वो बोलते अरे वो तो आज छुट्टी निकाल के आपको श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट गया है, आपको श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट गया हुआ है, यो यही बता कर गया, मेरा दादाजी मर गया, मैं जा रहा हूँ, छुट्टी चाहिए। तो कपट करके लोग घुमा फिरा कर, उनको उस वक्त पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, अभी तो चींटी से बच गए, अभी तो सुखद लगा ना, छुट्टी मिल गई, पिक्चर देख कर आए, पार्टी जाकर आए, अभी तो अच्छा लगा, मगर आगे क्या, आगे चीते आएंगे, चींटी से बच गए तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे क्रिएट हो रही है। हम जब अंदर जा पाएंगे, धीरज प्राप्त करेंगे, सही निर्णय लेंगे। कैसे है सही निर्णय, स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन, सीधी रेखा से मिलने वाले हल, ये समस्या ये हल, दोनों के बीच में एक सीधी लाइन आनी चाहिए, बस समस्या हल एक सीधी लाइन, तो फिर आगे के आश्चर्य आपको देखने मिलेंगे। जब निरंतरता के साथ आप सीधा जीवन जियोगे तो आगे के चमत्कार आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ये बीज है हम डाल रहे हैं, रोज डाल रहे हैं, कौन से डाल रहे हैं, सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं,
अवॉइड कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो ये मिलकर समस्या का रूप लेंगे। आज ही टैकल कर रहे, आज ही निपट रहे, तो इसका परिणाम आगे दिखाई देगा। यहां पे आने के बाद मैंने ये समझा कि मेडिटेशन करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। सादा सिंपल, मैं कौन हूं, अगर मैं कौन हूं, मैं इतने बार अगर मैं खुद दोहराता हूं तो मेरे अंदर के जो नेगेटिवनेस है, धीरे धीरे मैं, मेरे अहंकार, मेरा जो भी सब नेगेटिव मैं खुद को देखता हूं, और फिर आखिरी में तो समय आता कि मैं कुछ भी नहीं हूं, खाली हूं। ये जो है, ये जो प्रचिति है, ये जो अनुभव है, ये ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। ये इट्स रियली अमेजिंग। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। इस संदेश के बारे में अपने विचार, अभिप्राय जरूर शेयर करें, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।